तो मैं आपको बता दें कि गोहाना परिवहन मंत्री कृष्ण पवार पहुंचे हैं विधानसभा में। जूता कांड की निंदा उन्होंने की है, ये कहा है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। तो जिस तरीके से जूता कांड को लेकर सियासत हो रही है, यहाँ पर निंदा उन्होंने की है, कहा कि जो हुआ है गलत हुआ है। कृष्ण पवार का बयान आया है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। कृष्ण पवार गोहाना पहुंचे जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच अब कृष्ण पवार का बयान सामने आया है, कहा कि कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है, इसीलिए ऐसे फालतू मुद्दे कांग्रेस बना रही है। निंदा उन्होंने विधानसभा कांड की भी की। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरीके से ये जूता कांड हुआ है, लगातार सियासत गरमा रही है इस मुद्दे पर। अब कृष्ण पवार का भी बयान आया है, ये तो कहा है कि निंदा करता हूं, लेकिन दूसरी दूसरी तरफ ये भी कहा है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, आज गोहाना में जो प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं कृष्णलाल पवार, वो कुछ देर के लिए पहुंचे थे रोहतक जाते समय, जो रास्ते में रुके थे। इस दौरान देखिए मीडिया से बात करते हुए कृष्णलाल पवार ने जो 11 सितंबर को विधानसभा में जूता कांड हुआ उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा था कि 25 साल की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जो गलत हुआ है, और हम जो है जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं और जनता की आवाज को उठाना उनका काम है, कानून बनाना उनका काम है, लेकिन जो हुआ उस दिन वो गलत हुआ है। इसके अलावा उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए जिस तरह से ये अभय चौटाला और करण दलाल की जो आपसी लड़ाई है वो पिछले काफी समय से चली आ रही है, उनकी आपसी लड़ाई है, उनके आपसी मतभेद है, उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पे जरूर प्रहार करते हुए कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन है। इसके चलते वो मीडिया बने रहने के लिए जो है अनाप शनाप बयानबाजी करती रहती है। आज उनके पास कोई मुद्दा मुद्दा नहीं है, विधानसभा में वोटिंग की बात हो या और भी कोई प्रदेश में विकास की बात हो, कांग्रेस पार्टी के पास जो है कोई भी मुद्दा नहीं है। ये जो कहना कृष्णलाल पवार का है।